Now, after over a year, the mystery over the disappearance of 22-year-old medical student in Mumbai still remains unresolved. Mirror Now spoke exclusively to the missing girl's father, who alleged complete police apathy in handling the case. The girl's father, Manish Sane, alleges that the FIR was delayed by 12 days due to police negligence. The bereaved father further claims that the senior cops were just not ready to register the FIR. In fact, the deputy SP even told him, and I quote, "She's a 23-year-old girl. She must have gone somewhere." The distraught father, who also asked why wasn't the accused taken into custody earlier. Remember, two people have been arrested over the weekend in the case now. सर, इस इन सारे मामलों में आपने जो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद बोईसर पुलिस स्टेशन में आपकी FIR लेने में कुछ इन्होंने पुलिस वालों ने ऊपर नीचे किया कि क्या चीज़ है, ये चीज़ें क्या हुई? वो तो मैं सेकंड डे में जब वो सब वो मिट्टू सिंह का सेल्फी का मेरे को जब पता चला तो मैंने सेकंड डे में ही बोईसर पुलिस स्टेशन में बोला ये केस आप लोकल क्राइम ब्रांच को वर्ग करो, लेकिन ना मेरा DYSP ने सुना न SP ने सुना, दोनों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद मैं बोला ये मिसिंग कंप्लेंट के आधार पे आप लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरे को मालूम है। मैं बोला उनको आप पहला तो मेरा FIR दर्ज करो, 0 FIR, और केस वर्ग करो, नहीं तो एक काम करो आप इधर के जो लोकल क्राइम ब्रांच है बोईसर पालघर की तो उनको एक केस दो, लेकिन वो उन्होंने मेरा केस दिया ही नहीं उन लोग को। आपको ऐसे कुछ लगता है कि क्या बोईसर पुलिस स्टेशन से कोई हलगर्जी हुई है केस? एब्सोल्युटली हलगर्जी हुई है। मैंने तो कितने बार बोला उनको, मेरा FIR भी दर्ज नहीं करे थे। ये FIR दर्ज करने के लिए मेरे को चित्रावाग तक जाना पड़ा क्यों? लेकिन ये तो मेरा पहला सवाल है, लेकिन मैं आज तक चुप इसलिए क्योंकि मेरे को पहला मेरा ये है कि मेरी लड़की को ढूंढना है, उसके बाद क्या करना मैं देखूंगा बाद। और सर जब जब ये केस का FIR दर्ज हुआ उसके उससे पहले भी सर मैं आपको बोलता हूँ, इधर के एक DYSP है जा करके, मैं नहीं था उस समय, बॉम्बे था, लेकिन मेरा एक दोस्त ने भी उसको बोला, वो भी पत्रकार है, कि बोले एक लड़की मिसिंग है आप उसका FIR क्यों नहीं दर्ज? तो बोले 23 साल की लड़की है, किधर गई होगी, वैसा हम मिसिंग है ना लिखा, FIR क्यों नहीं दर्ज? तो वो ऐसा बात करते, एक जवाबदार व्यक्ति DYSP जैसा आदमी, मेरी लड़की डॉक्टर थी, कोई ऐरी गैरी तो नहीं थी, वो ऐसा थोड़ा जा सकती किसी के साथ में, और ये इसको बोलना शोभा देता है क्या? पहली बात, एक क्लास वन बोलेगा तो DYSP बोलेगा तो क्या है? और सर IPS ऑफिसर, और सर इन सारी चीजों में जैसे कि हमें पता है कि मेडिकल की जो एग्जाम होती है वो बट टफ होती है, फोर्थ लास्ट ईयर में आपकी लड़की थी, तो क्या कभी घर में बात हुई कि थोड़ी पढ़ाई में परेशानी हो रही है, ऐसी कुछ चीजें आपके साथ शेयर की? मेरी लड़की के बारे में तो ऐसा मैं सोच भी नहीं था, क्योंकि वो तो टॉपर है, वो तो उसको एग्जाम का तो कोई यही नहीं, आप उसके कॉलेज में भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, तो 3 साल की टॉपर है JJE की, उसको तो ऐसा कोई एग्जाम का टेंशन था ही नहीं पहली बात तो। और उसी के साथ साथ सर एक और सवाल बनता है कि पढ़ाई में अच्छी होने के बावजूद आज 13 महीने से लड़की घर पे नहीं है आपकी, तो सर इन सारी चीजों में कभी आपको ऐसे दिखा या घर में माहौल कैसा था कभी, या वो कभी कोई डिप्रेशन में थी, कोई टेंशन में, ऐसा कुछ घर में कुछ माहौल था, ऐसी कुछ चीजें कभी आपके सामने आई एज अ फादर के तौर पे कुछ दिखा आपको? नहीं, कभी भी नहीं, एक महीना तो पूरा घर में थी, कुछ भी ऐसा ये नहीं था, उसका जो पढ़ाई था रेगुलर चलता था। अभी फिलहाल सर आपकी क्या है, आप क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हो पुलिस से, आपकी क्या डिमांड है इस केस में, किस तरह से क्या और किस तरीके से काम हो? आप भी एक पत्रकार है, क्या आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये केस जड़ तक पुलिस जाके, इससे मेरे को रिजल्ट चाहिए, मेरे लड़की आखिर मेरी लड़की के साथ हुआ क्या है, क्योंकि पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, Unit 9 ने उसका नार्कोट एनालिसिस किया, ब्रेन मैपिंग किया, उसमें उनको कुछ मिला नहीं, इसके लिए उसको क्लीन चिट भी दिया, लेकिन मैं उससे सहमत ही नहीं है। बहुत पहले से मैंने शुरू से उनको बोलते आया हूँ कि मिट्टू सिंह का आपने अभी तक बोलता PCR लिया ही नहीं, पहला कुछ एलिगेशन हुआ उन्होंने क्राइम, वो लोग वो मिट्टू सिंह पूरा वो क्या ह्यूमन राइट्स में गया, उसके वजह से उन लोग को जो लोग तहकीकात कर रहे थे उन लोग को भी बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन
वो बोलता है मैंने बताया आपको कि लड़की इधर थी, फिर मैं कैसे ये कर सकता हूँ। और मिट्टू सिंह का थोड़ा उधर ये भी है, वो एरिया में बोलेगा तो पूरा उधर का बॉस ही है ऐसा मैं देखता हूँ, क्योंकि वो जो दे चला रहा है वो भी सब अनलीगल था, उसका कैंटीन जो है अनलीगल ही है पूरा। तीसरे दिन में उन्होंने कुछ सीपी ने आदेश दिया, पूरा तोड़ दिया, फिर 8 दिन के बाद वो वैसा के वैसा रहा। और सर जैसे कि आपने लाइक मिट्टू सिंह को भी देखा है, उनकी भी बहुत सारी चीजें देखी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, आपका पुलिस से लाइक कांटेक्ट भी हर वक्त होता होगा, क्या कुछ चीजें आप बता सकते हो कि मिट्टू सिंह के बारे में पुलिस को ऐसी और कौन सी चीजें पता चली है? क्या वो मतलब किस तरह के कोई कोई ड्रग्स वगैरह लेते थे या कुछ करते थे, ऐसी कोई चीजें आई? मेरे को पुलिस से तो नहीं पता चला, लेकिन बाहर मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया मेरे हिसाब से, उससे मेरे को पता चला कि ये गांजा विंजा भी बेचता है। My colleague Ankit is joining me live right now. Well, Ankit, as far as your conversation with the father of this missing girl is concerned, we just all heard that the father is clearly aggrieved and he is not satisfied with the ongoing investigation. He wants to know that there should be a closure as to what exactly happened with the girl. He hasn't gotten that as a clarity. What else do we know about the investigation, if at all, the police have managed to crack and find out what happened to this girl's Swadicha? See, that's absolutely right. On 20, there. And apart from that, when I had a word with his father, the discussion clearly mentioned that I am also a journalist and I know how things go. And he's a crime reporter as well. And that when he visited the Boisar police station after 29 November, mentioned that and then start the investigation and give this case to the local crime officer. But on that time they clearly mentioned that we have registered case as in a missing case, so we are doing the as per that only. So it takes 12 days to register an FIR, and he clearly mentioned that definitely in this 12 days definitely tampered this all the evidence. So Mithu Singh got 12 days in this case to Well, we're ample facing witness, some and apart network from that. connection over there with you, Ankit. We'll try and reconnect. But what you were mentioning was that it took 12 days for the police to register an FIR, and that is where the father's grouse stems from. And of course, the father is demanding a closure in this entire matter by wanting to know what exactly happened with Swadicha Sane. We will be tracking and getting you all the updates on this developing story. We will be keeping a track as to which way is the investigation progressing. Now, amid the war of